लेकिन अब प्रॉब्लम्स पे आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अभी बैठे बैठे एक सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही कि इस डीटीसी हॉल में हम लोग जब कब आते रहते हैं, और इस डीटीसी हॉल की जो चेयर्स की पोजीशंस मैं देख रहा हूँ, ये मतलब जो भी इसमें सपोर्ट कर रहा हूँ, नहीं छह नहीं, नहीं जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग नहीं यूज करते हैं, तो जो ये चेयर्स की पोजीशन है, तो मैं वो इसमें बैठे हुए अपने साथी से अनुरोध करूंगा कि जरा इस चीज को टेकअप करें कि ये जो पोजीशन है जिसमें बैठ रहे तो ये एक है, और दूसरा अभी हम लोग के जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में सिर्फ शायद विवेकानंद हॉस्पिटल ही है अभी मेरे ख्याल से, और अभी कोई और हॉस्पिटल आने के उसमें है कि नहीं है, कल बताएंगे, अच्छा बताएंगे, ठीक है। दूसरा मैं चाह रहा था कैंटीन पे हम लोग का डिस्कशन कम हुआ है, कैंटीन के बारे में थोड़ा हम लोग को और जानकारी हो, कैंटीन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात अभी कर रहे हैं, और सबसे नजदीक जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उसके लिए अभी हम लोग कुछ नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए हम लोग का उत्तरदायित्व तो बनता है कि उसके लिए हम जरूर कुछ ना कुछ करें। सिर्फ 1 मई को हम लोगों ने एक इनिशिएटिव जरूर लिया था कि हम लोग उनका सम्मान करते थे, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा जब तक कि उनको अपने जो रोजी रोटी उन्होंने खोई है उसको ने वापस दिलाने में हम लोग हेल्प करें। दूसरा जो ब्रांचेस में प्रॉब्लम्स आ रही है, जो बेसिक एमिनिटीज जो रिक्वायर्ड है उसमें जो ब्रांच मैनेजमेंट का जो रुख होता है बहुत जो नेगेटिव मतलब अप्रोच रहता है कि कोई मतलब ही नहीं है उसको, उस और उसका ध्यान ही नहीं जाता है, तो उसमें मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा डिविजनल यूनिट का भी सपोर्ट मिले, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं तो वो वैसे ही आई गई हो जाती है, लेकिन अगर यहाँ से जैसे टेकअप होंगी कुछ चीजें तो उसमें हम लोग को भी वहां पे भी सपोर्ट मिलेगा, और मैं चाहूंगा कि कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो एक सबसे बड़ी बात हमारी ब्रांच की अगर हम बात करें तो ब्रांच की बिल्डिंग इटसेल्फ बहुत छोटी है, फिर थर्ड वही आ जाती है बात की थर्ड फ्लोर है, और खासकर मुझे थर्ड फ्लोर पे जाना पड़ता तो मैं मुझे बहुत लिफ्ट की बहुत जरूरत पड़ रही है, और एवरेज एज मेरे ख्याल से हम लोगों की सभी की 45 एंड अबव हो रही है, तो मुझे तो प्रॉब्लम होने लगी है, बट ग्रदर भाई अभी फिट है तो जो चारों सीढ़ी से चढ़ोगे आप फिट हो जाओगे, मैं तो जाने 5-6 बार करना पड़ेगा, जैसे तभी फॉर्मूला अपना है वही लीजिए आप, चलिए मैं इतना बोल नहीं पाऊंगा इतनी तो बेसिकली मतलब जो उसमें अगर कुछ हो सके मेरे साथ, हम लोगों ने पहले भी बात कही थी, फिर अगर एक व्हाट्सएप पे मैसेज, अब चूंकि व्हाट्सएप की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था फर्नीचर एडवांस एंड समथिंग, तो उस पर क्या है वो भी जरा बता दीजिएगा, बाकी जो डिमांड मैंने पहले भी कही थी कि हम लोगों के लिए भी फोन मोबाइल एडवांस मतलब मोबाइल का प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि क्लास टू तक का मोबाइल हो गया है, अभी हम ही लोग बचे हैं जिनको हम लोग को देने में जरूर जो LIC मैनेजमेंट को परेशानी होती है, और इधर 5-6 साल में जो ट्रेंड चेंज हुआ है वो है काफी पैसा ब्रांच मैनेजर्स एंड जो मार्केटिंग है उनको काफी पैसा एज अ इंसेंटिव जाने लगा है, और जो मतलब उसमें जो उनका तरीका भी होता है कि वो जो आता है तो चुपचाप बाउचर खुद ही बना लेते हैं, बाकी सारे बाउचर में वो इंतजार करते हैं कि कब बनाएंगे कौन, लेकिन उन पर्टिकुलर बाउचर्स को वो तुरंत अपने आप बना के सुबह सुबह वैलिडेट करा लेते हैं जैसे कि हवा ना लगे, लेकिन खैर उनका ये पर्पस सॉल्व नहीं हो पाता है, हाँ मिनिमम मतलब 2.5-2.5 लाख तो, और जबकि जब हम लोगों से बात करेंगे जब देने की बात आएगी तो हर तरफ से निगेटिव दिखाएंगे, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है जब उनको 2.5 लाख रुपए जो मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, अगर ग्रोथ निगेटिव है या ब्रांच में कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है तो उनको पैसा कहाँ से मिल रहा है, तो जरा इस तरफ भी आगे हम लोग की बात बढ़ाइए तो बहुत अच्छा रहेगा, बाकी और भी जैसे अभी कुछ प्रॉब्लम्स अगर दिमाग में आएंगे तो मैं उसको डिस्कस करना चाहूंगा, धन्यवाद। 2000 और रुपया था मैसेज में, 2000 रुपया और था, नहीं वो तो पूरा ही बता दिया।